ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी ये पूरे हर पहलू पर फेल हो रही। इसका कोई मुद्दा नहीं था, केवल मुद्दा नहीं था, इनका मुद्दा था मंदिर मस्जिद हिंदू पाकिस्तान सब का मुद्दा। आज जो मुद्दा है हमारे देश का, महंगाई का मुद्दा है, मुद्दा है हमारा देश का लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करती, देश की दौलत वहां का इंसान और नौजवान हुआ करता है। तो ये बेरोजगार हैं, ये परेशान हैं, और 60 लाख नौजवानों ने पुलिस में भर्ती किया था, मेहनत किया था, और सब जो है पर्चा लीक हो गया। तो ये बातें जो हैं और जनता की जो बेसिक नीड्स है, आवश्यकताएं हैं, और जो कल्याणकारी राज्य की परिकल्पनाएं हैं, उससे हटके इन्होंने काम किया है और इन्होंने पूरी तरह ढोंग मरता है। इसलिए इनकी हार की शुरुआत हुई है, पतन की शुरुआत हुई है, अभी अयोध्या से हुई है। सारे देश में वो समय दूर नहीं है, पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का सफाया होगा। आपकी जीत से अयोध्या ने पूरी अयोध्या मंडल पे फर्क डाला है और हर जगह पे समाजवादी पार्टी को बढ़त मिली है। ये नारा इन्होंने दिया था, जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे, और दूसरी तरफ एक आपका नारा था कि ना अयोध्या ना काशी अब की बार अवधेशवासी। तो ये हमारा नारा नहीं था, हम तो सभी स्थानों का स्वागत करते हैं, सभी धर्मों का, सभी मंदिरों का स्वागत करते हैं। ये मेरा नारा नहीं था, और अगर किसी ने नारा लगाया है तो वो समझे, हम तो सबका सम्मान करते हैं। और इनका नारा भारतीय जनता पार्टी का कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए, ये राम के लाने वाले लोग हैं। अरे राम तो अराजकाल से आए भाई, राम को कोई लाया नहीं है, ये तो झूठ मूठ का किया है चुनाव जीतने के लिए इन्होंने। चुनाव में संविधान और जो लोक धर्म को ला रहे थे, ये सारे जो मुद्दे थे उस पर संविधान आरक्षण और जो दुश्मनी का मुद्दा था ये हावी रहा, और इसने ये हमारा था, ये मुद्दा हमारा था चुनाव का, महंगाई था, बेरोजगारी थी, और संविधान था, और लोकतंत्र था, ये सारे हमारे मुद्दे थे।